हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी का ट्रेलर होगा इस दिन रिलीज। संजय लीला भंसाली की मच एविटेड फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी का मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज होते ही इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस फिल्म एक रियल महिला अपराधी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में गंगूबाई की भूमिका में नजर आएंगी आलिया भट्ट। फिल्म के जरिए एक बार फिर मुंबई की महिला अपराधी गंगूबाई का नाम चर्चा में आ गया है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म इसी साल यानी 11 सितंबर 2020 को सिनेमा घर में आने वाली है। इसका ट्रेलर अगस्त के पहले वीक में आ जाएगा। इससे पहले इस फिल्म का टीजर और पोस्टर आ जाएगा। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। संजय लीला भंसाली ने हाल ही में आलिया के लिए कुछ शानदार लोकगीत कंपोज किए हैं, लेकिन आलिया गीतों को लिपसिंग नहीं करेंगी। ये बताया जा रहा है ये सभी गीत बैकग्राउंड में प्ले किए जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक के बाद ये भंसाली की पहली वास्तविक ड्रामा फिल्म होगी। इसके अलावा आलिया इस फिल्म में कोई आकर्षक कपड़े भी नहीं पहनेंगी। उनके कपड़े काफी मोटे और सामान्य से होंगे, जिससे वह एकदम सादी लगे। इस फिल्म में ग्लैमर की कोई गुंजाइश नहीं है। गंगूबाई काठियावाड़ी में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आलिया पहली बार करने जा रही हैं। गंगूबाई का गुजरात से मुंबई आने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। गंगूबाई को अपने इलाके में गंगूबाई का सम्मान किया जाता था, लेकिन कानून की नजर में गंगूबाई सिर्फ एक माफिया थी। इस फिल्म में इमोशन, ड्रामा, ट्रेजेडी और ढेर सारा क्राइम नजर आने वाला है। शायद इसी वजह से संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई पर फिल्म बनाने की ठानी थी। दरअसल ये फिल्म लेखक एम हुसैन जैदी की किताब माफिया किंग्स ऑफ मुंबई पर आधारित है। एम हुसैन जैदी अंडरवर्ल्ड से जुड़े माफिया पर भी किताबें लिख चुके हैं। बता दें कि इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली की पहली पसंद आलिया भट्ट नहीं थी। पहले वे इस रोल के लिए रानी मुखर्जी को लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया था, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी। इसके बाद संजय ने गंगूबाई का रोल आलिया भट्ट को ऑफर किया। माना जा रहा है कि आलिया की फिल्मी करियर में गंगूबाई का किरदार महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। आपको क्या लगता है, संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी उनकी पिछली फिल्मों से ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है? ये फिल्म एक दमदार किरदार पर है। ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा अच्छी होने वाली है। आलिया इस फिल्म में एक नए अवतार में नजर आने वाली है। आपको क्या लगता है कि आलिया इस फिल्म में फिट बैठ पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। आप हमारी सभी न्यूज को tudays.com पर देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।